विधानसभा चूंटणी ने लई हवे कोंग्रेस नेताओ सूरत में आवी रह्या छे। एक बाद एक नेता छेल्ला 15-20 दिवस पत्रकार परिषद ने संबोधी रह्या छे। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की निष्फलताओं ने लोग समक्ष लावा प्रयास कर कायदो व्यवस्था हो मोहवारी हो शिक्षण हो आरोग्यलक्षी सेवाओं की बात तमाम मुद्दाओं ने गोठवा आ रहा है। जो आकलन आ रहा है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और लगभग 2/3 बहुमत से कांग्रेस आ रही। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये सारे जो मीडिया है स्वतंत्र एजेंसीज हैं उनका आकलन। भाजपा की सरकार में देश में महंगाई पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेरोजगारी 47 साल का, जिस तरह बेचा जा रहा है उसमें भारत माता की जो संपत्ति है वो कुछ तिजोरियों में भेजी जा रही है। कुल मिलाकर राष्ट्र में जो डॉलर और रुपए के बीच का अंतर है वो दिखाता है कि भारत की साख कितनी गिरी है आर्थिक जगत में। जहाँ तक सवाल है गुजरात का, हमने यहाँ जो 8 सूत्री बातें रखी हैं, जो हमारा संकल्प है कि हम पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करेंगे जो पुरानी थी, जैसा हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार किया है। बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये प्रतिमास देंगे, 500 से 1,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी, सरकारी अस्पताल में 10 लाख तक मुफ्त इलाज और 5 लाख का बीमा, सरकारी नौकरी में ये कंट्रैक्ट सिस्टम ठेका प्रथा को खत्म करेंगे और 10 लाख पद भरेंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि 27 साल में जो कुछ कांग्रेस ने किया था भाजपा में उसमें गिरावट आई है, कम हुआ है, गुजरात की जनता का हित नहीं हुआ, पर प्रांतियों के साथ उपेक्षा का भाव है, उनको ना सुविधाएं दी जा रही, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ट्रेन भी यहाँ से एक ही जाती है जबकि रेल मंत्री भी इसी क्षेत्र की हैं। तो कुल मिलाकर उनका प्रतिनिधित्व हमने तो 3 दिया है, उनकी चिकित्सा सुविधा, उनकी शिक्षा के लिए कोई हिंदी भाषी इंटर यहाँ पे कॉलेज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, LKE स्टार न्यूज़, सूरत।